हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ साइप्रोहेप्टाडाइन सिरप के बारे में। दोस्तों, साइप्रोहेप्टाडाइन साल्ट एक भूख उत्तेजक के रूप में जाना जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं साइप्रोहेप्टाडाइन सिरप किन किन समस्याओं में काम करती है, इसको ली जाने वाली डोज क्या है और साथ ही जानेंगे इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, भूख न लगने के कई कारण होते हैं, लेकिन भूख कम लगने के कारण कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती है, जैसे कि बॉडी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, वजन कम हो जाता है और कमजोरी और थकान महसूस होती है। तो दोस्तों, ये दवा साइप्रोहेप्टाडाइन लेने से भूख खुल करके लगती है और खाने के प्रति रुचि बढ़ती है। इसके अलावा ये सिर्फ एनोरेक्सिया की समस्या में भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। ऐसी समस्या में मरीज कैलोरी को काउंट करता है और उसे लगता है कि अधिक मात्रा में कैलोरी को ले लिया है, तो वह उल्टी करके बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की समस्या में भी ये दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है, लेकिन कुल मिलाकर के कहे तो भूख ना लगने की समस्या में ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, इस सिरप को लेने से थकान कमजोरी दूर होती है, वजन और ताकत बढ़ती है, पोषण की कमी भी दूर होती है। दोस्तों, इस दवा को बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी आयु वर्ग के लोगों को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर साइप्रोहेप्टाडाइन सिरप के डोज की बात करें तो उम्र के अनुसार इसकी डोज अलग अलग होती है। बच्चों को ये दवा 5 ml और बड़ों को 10 ml लेने की सलाह दी जाती है। इस दवा को खाने के बाद और भूखे पेट कभी भी ले सकते हैं, लेकिन भूख को बढ़ाने के लिए भूखे पेट लेना बेहतर रहता है। दोस्तों, वयस्क को ये दवा 10-10 ml दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन अगर समस्या इतनी गंभीर नहीं है तो डॉक्टर इसे आपको दिन में 1 बार लेने की सलाह भी दे सकते हैं, जिसे आपको रात को सोते समय लेना चाहिए, क्योंकि इस दवा को लेने से अधिक नींद आती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप पहले से कोई अधिक मेडिसिन ले रहे हैं या फिर सर्जरी हो रखी है, तो ये दवा लेने से पहले आप डॉक्टर से बात करें। प्रेगनेंसी में भी बिना डॉक्टर की सलाह के इस दवा को नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, साइप्रोहेप्टाडाइन सिरप से होने वाले अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो सबसे प्रमुख रूप से साइड इफ़ेक्ट यही देखा जाता है कि इसको लेने से अधिक नींद आती है। इसके अलावा भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि पेट से जुड़ी परेशानी, चक्कर आना या फिर मति भ्रम की समस्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम मामलों में ही देखे जाते हैं। इसको लेने से अधिक नींद आती है, इसलिए इस दवा को लेने से पहले आप किसी भारी मशीन पर काम नहीं करें और ड्राइव भी नहीं करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर